गाइस ये देखिए, ये सारनाथ का बौद्ध स्तूप है। सारनाथ घूमने जा रहे हैं, फोटो कर लिया हमने सारनाथ जाने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है, शायद आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। कितना टाइम लगेगा भैया? आधा घंटा। गाइड के साथ लगा देंगे, 20 रुपए या 25 रुपए कुछ लेता है गाइड। हाँ, वो आपको घुमाने का सब, जो जो नहीं जाने के वो भी आपको बता देगा। ठीक है। हम उसी ने खड़े लेंगे। ठीक है। हेलो गाइस, अभी हम लोग सारनाथ पहुंच गए हैं और हमने यहाँ पे गाइड किया है जो भैया हमें घुमाएंगे यहाँ पे। जो भैया हैं, भैया आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार राजभर है। कितना दूर है भैया यहाँ से? अभी बगल में हम लोग सारनाथ की तरफ जा रहे हैं और भैया हमको यहाँ पे घुमाएंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है राजकुमार। राजकुमार जी, आइए। राजकुमार जी, और सर तो आप देखिए, जिस जगह पे आए हैं इस प्लेस का नाम है सार। सार मीट होता है उपदेश और नाथ मीट होता है भगवान। इस जगह पे गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे और इस जगह पे उपदेश देने के बाद में हर देश में इनका 5 जो थे हर देश में गए थे प्रचार करने के लिए। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस सारनाथ का मेन टेंपल बोला जाता है और मेन टेंपल का नाम है मूल गंध कुटी विहार। ओके। मूल गंध कुटी विहार, मूल गंध कुटी विहार। और जब मंदिर के आप अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, उपदेश मुद्रा में मूर्ति है और मार्बल पत्थर पे है, सोने की गोल्ड की पॉलिश से। आपको लगेगा सोने का, बाबू सोने का नहीं, सोने की गोल्ड की पॉलिश लगाई गई है मार्बल पत्थर के। और मूर्ति के पीछे अंडरग्राउंड है 10 फीट का, चांदी की बॉक्स में भगवान बुद्ध जी का रेलिस रखी गई है। रेलिस बोलते हैं दांत और उनकी हड्डी। वो कार्तिक पूर्णिमा में निकालते हैं लोम्बर, साल में एक ही बार सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा जो लोम्बर आता है, उस समय के अस्थि को निकाल के बाहर में और सारे विदेशी लोग आते हैं उनके दर्शन कराते हैं। जो बर्मा, कोरिया, जापान, थाईलैंड, इन लोग आते हैं, इनका दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में इस टेंपल का पूरा राउंड करते हैं। राउंड करने के बाद में टेंपल के अंदर दोबारा रख देते हैं। साल में एक ही बार दिखाएंगे या कार्तिक पूर्णिमा में निकाल के एक ही बार, बाकी दिन मंदिर के अंदर रख देते हैं। और जब मंदिर के अंदर आप जाएंगे, दीवारों पे दोनों बगल पेंटिंग भी देखेंगे, जीवन से लेके मिट्टी तक लाइक पेंटिंग बनाई गई है। बनाने वाले जापान का रहने वाले थे जिसका नाम था ओशो और नोशो। वो दोनों भाई पेंटिंग बनाए हैं, पेंटिंग को 4 साल लगाया गया है। आज भी जापान के लोग इसके अंदर पेंटिंग करें जो बाकी पेंटिंग खराब हो गया है। और बुद्ध जी का 4 प्लेस होता है, जैसे हम लोग का 4 धाम होता है, इससे इनकी भी। पहला है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ उनका जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद में नाम रखा गया सिद्धार्थ, उस सिद्धार्थ से फिर गौतम बुद्ध जी गए। दूसरा प्लेस है बोधगया बिहार में, बोधगया बिहार में आए, पीपल के नीचे बैठ कर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा प्लेस है सारनाथ, उस सारनाथ में आए, 5ों को फर्स्ट सरमन दिए थे उपदेश। उपदेश देने के बाद में उन्हें गए कुशीनगर, गोरखपुर के पास में पड़ती है, वहाँ गए तो अपने शरीर को पूरे ताक दिए थे। उन्हीं की थोड़ी थोड़ी जो बॉडी है हर देश में रखा गया है। और जब मंदिर के अंदर आप मोबाइल या कैमरा आप चलाएंगे तो 20 रुपये डोनेशन बॉक्स में डाल के तो आप फोटो ले सकते हैं।
नई फोटो लेने से नहीं डाल सकते। ये श्रीलंका के अनाचारी धर्मपाल जी, इनका हेड ऑफिस कलकत्ता में भी है और इस मंदिर को इन्हीं ने बनवाए हैं। अच्छा, बनवा की महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को डोनेशन में दे दिया गया है। ठीक है, इसका मेंटेन करने के लिए, सफाई करने के लिए, उसमें 70,000 में मंदिर को बनाया गया था उस समय में श्रीलंका पैसा से। और इनकी समाधि यहाँ बनाया गया है जो चिड़ियाघर के अंदर है। एक एक किस्तन थे, किस्तन जिसको बोलते हैं, जलाते ने इनको दफना दिया गया है। और ये श्रीलंका से एक डाली काट के ले आके पीपल का जो यहाँ लगाया गया है और जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने फर्स्ट सरमन उपदेश दिए हैं। और देखे हुए दिखाया गया है कि बुद्ध ने ऐसे उपदेश दे रहे पांचों के, इस कल्पना करके मॉडल बनाया गया है। बोधि वृक्ष लिखा गया है, जो पीपल का पेड़ है आज भी है इसके अंदर, जो श्रीलंका से ले आके यहाँ लगाया गया है, वही पीपल का पेड़ है जो देख रहे हैं सामने है। ये पत्ता झड़ता रहता है, नया पत्ता आया है। और देखिए वो सामने जो उनके पांचों शिष्य हैं, एक बर्मी के लेडीज ने इनकी कल्पना करके मॉडल बनाए हैं कि बुद्ध ने ऐसे उपदेश दे रहे हैं। उसमें सर कोई देखे थे नहीं, कोई जाना था नहीं, तो ऐसी एक कल्पना करके इनकी पाँचों का मॉडल बनाया गया है। और पाँचों शिष्यों को नाम है अस्तदी, महानवा, कुंडली, बप्पा, हिनवा। इनका नेम जिसको बोलते हैं, जो अलग अलग देश के लोग हैं, बर्मा है, जापान है, कोरिया है, ऐसे ऐसे लोग, और अपने जो है इंडिया नहीं होते। सामने जो देख रहे हैं सामने के, इसको बोलते हैं धम्म चक्र बोलते हैं। हिंदू धर्म में ओ नमः शिवा कहते हैं, तिब्बत के लोग घुमाते हैं तो ओम माने पद्मे होम, इससे घुमाने से अपना मन शांति होती है। एक मंत्र में 2000 मंत्र डाला गया लिखकर। और श्रीलंका के लोग घुमाते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि लोग घुमाते हैं। सामने जो घंटा आप देख रहे हो, ये जर्मन के लेडीज ने महाबोधि सोसाइटी को एक डोनेशन में दिया है। ये दो टाइम बजाते हैं, सुबह 4 बजे बजाते हैं मंदिर खुलता है, और शाम को 6:30 बजे बजाते हैं पूजा स्टार्ट होती है। उसकी साउंड 3 किलोमीटर जाती है दोनों टाइम का, और 4 लोग मिल के इसको हमेशा बजाते हैं। और छोटे छोटे जो आप गिलास में देख रहे हैं ना, वो गौतम बुद्ध जी की 27 अवतार हैं जिसको बोलते हैं, जो अवतार लगाए गए हैं। इनकी अवतार भी अलग है, नाम भी अलग है। और इसके अंदर आप जब जाएंगे तो मोबाइल कैमरा अलाउ है, फ़ोटो ले सकते हैं, कहीं 1 रुपये डालना नहीं पड़ेगा। टेंपल के अंदर फ़ोटो लेने से 20 रुपये डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और इसी के पीछे 6,500 लोग को रोज़गार भी दिया गया, जो दलाई लामा थे ना सर, इसके लोग को 6,500 लोग को रोज़गार दिया गया। जिसके पास काम नहीं है उनको काम दिया गया, जिसके पास काम है उनको भी मिला है। क्या मिला है? जो बनारस साड़ी होती है ये घर के लोग बनाते हैं, 6,500 नहीं, बिहार के लोग बोलते हैं खादी, और तिब्बत के लोग बोलते हैं तिब्बती खाता, और बनारस के लोग बोलते हैं बनारसी साड़ी। तिब्बत की जो सिल्क की ती खाता ना, वही खाते थे लोग साड़ी बनाते। मतलब करगे वाली है या वो मशीनरी वाली है? हाथ से विभिन्न करते हैं, करगे वाली, करगे वाली जी जी। तो हाँ, नहीं आजकल तो मशीन चल गया ना, मशीन वो 6,500 लोग तो साफ बनाते हैं करगे की हाथ की। और मालूम क्या, उस पर लिखते हैं साड़ी पे लिखते हैं सारनाथ। और ये जो मंदिर आप देखे हैं ना, ये मंदिर का डिजाइन पूरी नकाब उतार के ले जाते हैं, साड़ी के पूरी बिल्डिंग करते हैं, उधर के लोग ज्यादा लेके जाते हैं। हाँ, जो एक नूमरी होता है सर, यहाँ का एक नूमरी होता है, जैसे सारनाथ के नाम से आए थे तो उसी का एक नूमरी यहाँ का बनाते हैं कि कोई ले जाता है तो मम्मी या बहन दीदी पहनते तो अगल बगल देखते हैं ना कि तो सारनाथ लिखा है, सारनाथ का हो सकता है साड़ी, इसीलिए सारनाथ के लोग साड़ी का नाम का लोग बनाते हैं। और बनाने के बाद इनकी कॉपरेटिव बुनकर वाले लोग का वहाँ ले जाके जमा करते हैं। वहाँ जमा करने के बाद जो मड़वाड़ी लोग होते हैं बनारस के लोग, यहाँ से ले जाते हैं ऑर्डर पे, अपना GST चार्ज लगा के बिक्री करते हैं। जो सोसाइटी में आप 750 की साड़ी पाएंगे, मार्केट में जाने के बाद 1,000 की हो जाती है, तो कई हज़ार की हो जाती है, यहाँ कोई चार्ज नहीं देखने। आज भी गाँव के लोग बिजली करते हैं। सिद्धार्थ ऊपर वाला जो मूर्ति है, इनका मालिक एक है ऊपर वाले।
केदारनाथ का बौद्ध स्तूप है। हेलो फ्रेंड्स, आज ट्रिप का हमारा तीसरा दिन है और हम लोग वाराणसी से निकल पड़े हैं वापसी अपना दिल्ली के लिए। और अभी हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चल चुके हैं। थोड़ी दूरी में हमको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, फिर हम लोग पूर्वांचल से लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए निकल पड़ेंगे। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं और यहाँ से दिल्ली की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है। अभी एक स्ट्रेच ब्रेक लिया है और टांगे वगैरह सीधा करने के लिए। और गाड़ी की हालत देखिए गाइस, बारिश की वजह से गाड़ी थोड़ी गंदी हो चुकी है, तो गंदी गाड़ी भी अच्छी लगती है। अभी हम लोग चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। इस पर चलते हुए ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर हो चुका है। होपफुली रात के 8 बजे हम लोग घर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे हमने क्रॉस कर लिया है और अब तकरीबन आधा घंटा में हम लोग घर पहुंच जाएंगे।